గారికి సాలో తప్పి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు. రామచంద్రరావు గారు మన నగర అధ్యక్షులు, శాసనమండలి సభ్యులు, అదేవిధంగా మన హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రరెడ్డి గారు, మన కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి అన్సర దాయూర్ గారు, మన మురళీధర్రావు గారు బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మన కృష్ణదాస్ గారు మన ఇన్ఛార్జి, వాళ్ళందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు. సోదరా సోదరి మనులారా, మీ అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. హైదరాబాద్కు రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. హైదరాబాద్ అంటే నాకు సర్దార్ పటేల్ గుర్తుకు వస్తారు. హైదరాబాద్ సమస్తమాన్ని భారతదేశంలో కలిపిన సర్దార్ పటేల్కు ఈ వీరభూమి నుండి ప్రణామాలు. తెలంగాణ విమోచనలో అమరులైన వీరులకున జవాహరులు. హైదరాబాద్ ఒక అద్భుతమైన నగరం. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు నా అభినందనలు. భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉంది. ఆజ్ పూరే విశ్వ కా ధ్యాన్ హైదరాబాద్ నగరీ పర్ హై, क्योंकि यहां एक अंतर्राष्ट्रीय समिट के लिए दुनिया भर के उद्योग जगत के महारथी आज यहां एकत्र आए हैं. ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतनी बड़ी तादाद में बहुत ही कम नोटिस पर यहां पर आए, मेरा स्वागत सम्मान किया और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रदेश के पदाधिकारियों का, हैदराबाद के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. आज भारतीय जनता पार्टी जो भी है उसका कारण 4-4, 5-5 पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उन कार्यकर्ताओं के परिवारों ने जो त्याग किया है, जो तपस्या की है मां भारती के सेवा के लिए, समाज के सुख दुख को बांटने के लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकी है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का श्रेय आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ऐसे अनेक प्रदेश हैं, पुराना आंध्र हो, आज का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो, हमारा केरल प्रांत हो, हमारा तमिलनाडु प्रांत हो, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी को शासन के माध्यम से जनता की सेवा करने का, राज्य का विकास करने का सौभाग्य नहीं मिला है। उसके बावजूद भी सत्ता से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद भी यहां के कार्यकर्ताओं ने जनता के सुख के लिए, जनता के मुद्दों को पर सेवा का मार्ग, संघर्ष का मार्ग कभी छोड़ा नहीं है। और इसलिए आप सब ऐसे कार्यकर्ता जो दिन रात मां भारती के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल निशान के लिए लगे रहते हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाई बहनों, तेलंगाना प्रदेश नवरचित प्रदेश है, उसे अभी बहुत आगे निकलना है। मैं तेलंगाना वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीति के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं करती है। राज्य में कोई भी दल सत्ता में हो, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को समर्पित दल है। हमारी सरकार कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रही है। राज्यों को विकास करने के लिए, राज्यों को फलने फूलने के लिए राष्ट्रहित की नीतियों को हमेशा भारत सरकार समर्थन देती आई है। तेलंगाना के विकास के लिए भी भारत सरकार कभी भी कोई कमी नहीं रहने देगी। विकास की इस यात्रा को भारत की सरकार हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के चल करके विकास के मार्ग से ही तेलंगाना का और देश का भाग्य बदलता है। इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेगी। इसी विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी तादाद में दूर तक आए, स्वागत सम्मान किया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इनका पेदा संख्या लो नाकु स्वागतम पलिकिना प्रति बीजेपी कार्यकर्ता को ना धन्यवाद आने लो।